हाय बच्चों, कैसे हो आप? आज हम हिंदी का दूसरा लेसन सीखेंगे। क्या है रे दूसरा लेसन? तो देखो देखो बच्चों, बूंदे। पहले दूसरे लेसन का नाम क्या है? बूंदे। बूंदे पोएम है। क्या है? पोएम। अब हम सीखेंगे, देखो। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। कवि ने क्या बताया है कि बारिश की बूंदे जब आकाश से धरती पर आती है तो कैसे आवाज़ करती है? रिमझिम आवाज़ में गाना गाते हुए आती है। तो बच्चों, जब बारिश आती है तो बाहर निकलिए और उसकी आवाज़ को महसूस कर लीजिए। कितनी सुहानी उसकी आवाज़ होती है। रिमझिम की आवाज़, बारिश की आवाज़ सुनते ही हम सभी का मन क्या कहता है? हर्षाता है और हम घर को छोड़कर बाहर चले आते हैं। जब तुम विद्यालय में होते हो, अगर वहाँ से भी बैठे होते हो तो विद्यालय से ही बाहर चले जाइए। कोई हमें परमिशन दे तो वो हम खूब सारी मस्ती करें, झूमें, गाएं, खेलें, कूदें। इतनी अच्छी और आकर्षक होती है बारिश की बूंदें। उसकी आवाज़ तो लुभावनी होती है। रिमझिम की आवाज़ करती हुई ये बारिश की बूंदे आकाश से सीधे जमीन पर, धरती पर आती है। धरती पर अर्थात जमीन पर। देखो आगे, खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। अब आकाश से बारिश जब जमीन पर आती है, धरती पर आती है, तब वो कहाँ जाती है? देखो कहाँ जाती है रे? खेतों में जाती है, बागों में जाती है, मैदानों में जाती है। बाग अर्थात बगीचों में, बाग अर्थात बगीचों में। हर जगह जाकर बारिश की बूंदे हरियाली फैलाती है। हरियाली यानी हरा भरा माहौल बना देती है। धरती पर बारिश की बूंदें और कहाँ जाती है? देखो, धरती से नालों, नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। देखो अब कहाँ जाती है रे बूंदें? नालों से नदियों में और सागर से मतलब समुद्र में। और ये बारिश की बूंदे नालों में जाती है, नालों से कहाँ जाती है? नदियों में जाती है। और नदियों से कहाँ जाती है रे? सागर में यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो सागर में जाने के बाद फिर से वो भाप बनकर, क्या बनकर? भाप यानी वाफ बनकर आकाश में उड़ती हैं। जब तेज धूप होती है तो भाप बन जाती है, और यानी कि भाप बनाती है और धीरे धीरे बादल बन जाती है। और फिर अगले साल बारिश की बूंदें ऊपर प्रसन्न होकर गिरती है। इसी तरह बारिश की बूंदें धरती पर आती है, सागर में मिल जाती है और सागर से आकाश में चली जाती है। और फिर क्या होता है? बादलों के रूप में जाती है और फिर अपने पास बूंदें के रूप में वापस आती है। बारिश की बूंदों से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो
कौन प्रसन्न होते हैं? आप प्रसन्न होते हैं क्योंकि गर्मी से परेशान हो जाते हो। तब इस समय हम सभी लोगों को क्या करती है बूंदें? शीतलता पहुंचाती है। देखो, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। क्या करती है रे? गर्मी से हम सब परेशान हो जाते हैं। इस समय हम सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, इसलिए बराबर ना हम बारिश की बूंदों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है, गर्मी से परेशान हुए लोगों को बहुत ही ठंडक पहुंचाती है। आपने महसूस किया, बीच में एक दो दिन बारिश हुई थी तो मौसम कितना लुभावना हो गया था, ठंडक भरा हो गया था। वैसे ही जब बारिश आएगी तब पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को क्या कर देगी? ठंडा बना देती है। बारिश की बूंदे को देखकर कौन नहीं खुश होता रे? मैं अभी देखो, सब कुछ खुश होते हैं, तुम भी होते हो ना? अभी देखो क्या है, मेंढक ओ मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। क्या करती है रे बूंदे? मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल, इन सभी का मन ओ बारिश हर्षाती है। हर्षाना यानि प्रसन्न होना, प्रसन्न करना, खुश करना, खुश करना। मेंढक, कभी अपने मेंढक की आवाज़ सुनी है? कैसी होती है रे? टर टर, ऐसा आवाज़ करता है ना मेंढक, उसकी आवाज़ करता है बारिश आने पर। और मोर तो बस अपने पंख फैलाकर नाचने ही लगता है। देखो मोर कैसे नाच रहा है ना? और उसको नाचते हुए देखकर हम सब खुश हो जाते हैं। कोयल भी क्या करती है? कुहू कुहू आवाज़ करने लगती है। और पपीहा वो एक ऐसा पक्षी है जो पूरे साल बारिश की बूंदों का क्या करता है? इंतज़ार करता है। और बारिश की बूंदों को देखते ही उसका मन झूमने उठता है। कवि कहते हैं कि बारिश की बूंदें क्या करती है? बारिश की बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती, मुस्काती बूंदें। बूंदे क्या करती है? पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती हैं। पुरवाई मतलब पूरब की दिशा से ढलने वाली हवा। पूरब यानि ईस्ट। पूरब से हवा आती है और नाचते हुए, इटलाती हुए, मस्ती करते हुए हमारे पास आती है और हम सबको खुश कर देती है। वो खुद भी मुस्कुरा देती है और हमें भी खुश, सभी को खुश करती है। तो बच्चों, तुम्हें एक कविता बहुत पसंद आई होगी और समझी भी होगी। देखो बारिश की बूंदें कैसी होती है, देखो कैसे आती है, मुस्कुराते हुए, इटलाते हुए आई है ना। तो हम अभी एक कविता बार बार पढ़ो और पढ़कर सीखो। अब हम देखेंगे आगे क्या है रे कविता का परिचय। देखो, बरसात की बूंदें रिमझिम रिमझिम करती हुई आकाश से जमीन पर गिर रही है। देखी ना हमने, बरसात की बूंदें कहाँ गिर रही है? खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे हो जाते हैं। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर कहा जाती है नदियों और नालों में बहती है। आगे चलकर वो कहा जाती है सागर में मिल जाती है। गर्मी से त्रस्त लोगों को ये बूंदें क्या करती है? ठंडक देकर आराम देती है। फिर क्या होता है रे? बरसात की बूंदें मेंढक,
मोर, पपीहे और कोयल जैसे सभी पक्षियों के मन को प्रसन्न कर देती है। और क्या करती है, पूरब से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर बूंदे खुशी से झूमती है। अब आगे देखो, बूंदे क्या क्या करती है देखो, दिखाया आपने अभी पढ़ा ना, बूंदे क्या क्या करती है। हाँ बताओ, बूंदे क्या करती है, खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे हो जाते हैं। बरसात की बूंदे धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। गर्मी से त्रस्त लोगों को ये बूंदे ठंडक देकर आराम देती है। बरसात की बूंदे मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल जैसे सभी पक्षियों के मन प्रसन्न कर देती है। पूरब से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर बूंदे खुशी से क्या करती है, झूमती है। अभी देखो, कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लय वाले शब्द लिखो। अब देखो, गाती हुए समान लय वाले क्या क्या आए हैं रे, गाती, फैलाती, मिल जाती, पहुंचाती, हर्षाती और मुस्काती। ये गाती हुई समान लय वाले शब्द आए हैं। अब तुम क्या करना, ये नोटबुक में लिखना। देखो शब्दार्थ, शीतलता यानी ठंडक, इटलाना यानी नखरा करना, और पुरवाई मतलब पूरब की ओर से चलने वाली हवा। तुम्हें कविता समझ में आई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर लिखकर नोटबुक में ग्रुप पर सेंड करना। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।